होप फुली ऑल आर यू डूइंग गुड हाल ही में आपके सी एस सी ई टी की क्लास एग्ज़ाम्स uh, हुए थे एंड आई होप यू ऑल क्लियर सो फर्स्ट ऑफ ऑल आर वेरी हार्डियस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ़ यू फॉर क्लियरिंग सी एस सी ई टी आई नो सी एस सी ई टी के रिज़ल्ट के टाइम बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन हो गई थी क्योंकि किसी के रिजल्ट नहीं खुल रहे हैं कभी वेबसाइट क्रैश हो जा रही है किन किन लोगों का तो एक घंटे बाद आपने रिजल्ट देखा है क्योंकि किसी ने किसी ने दो मिनट पहले देखा होगा तो उसको रिजल्ट मिल गया होगा जैसे बजे का टाइम दिया था बट 157 पर रिजल्ट ऑलमोस्ट आउट हो चुके थे तो कुछ कुछ बच्चों का ऐसा भी रिजल्ट आया है कि योर एग्जाम हैज बीन कैंसल्ड एंड एवरीथिंग तो ऐसा अगर आपके पास में ऐसा कुछ भी इशू होता है कि आपको रिजल्ट के बारे में नहीं समझ में आ रहा है तो यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट मी एट द बिलो गिवन नंबर सो फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी हार्टियस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर क्लियरिंग सी एस सी अब ऐसा है कि सी एसई टी वॉज नॉट योर फाइनल डेस्टिनेशन एक चीज समझ के रखना यह वीडियो बनाने का पर्पज यह है कि बहुत सारे लोग इतना खुश होकर इतना सब यू नो एक्साइटमेंट में ऐसे सब चीजें समझ नहीं पा रहे कोई चीज तो एक बात समझ लो आइडियली सी एसईटी का रिजल्ट एग्जाम होने के आफ्टर अराउंड वन वीक और टेन डेज के बाद में आता था बट इन्होंने इस बार रिजल्ट थोड़ा जल्दी लॉन्च किया है क्यों क्योंकि आपको शायद पता होगा कि थर्टीएथ नवंबर लास्ट डेट है दो ग्रुप्स के लिए अगर आपको रजिस्टर करना है तो सो अगर आपको जून 2021 में अपने सीएस सी एस आपका सेकंड लेवल होता है उसमें अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है कि आपको इन जून आप सोचते हो कि आपको दोनों ग्रुप एक साथ देना इन द दे फर्स्ट अटेम्प सेल तो आप दे सकते हो उसके लिए थर्टीएथ नवंबर इज द लास्ट डेट तो आपके एक्साइटमेंट को थोड़ा कंट्रोल करो और यह बात समझो कि थर्टीए नवंबर इज द लास्ट डेट अगर आपको दोनों मॉड्यूल देना है तो अ बिग क्वेश्चन मार्क अब सबसे बड़ा यही क्वेश्चन है कि सर एक मॉड्यूल देना है या दो मॉड्यूल देना है बट ऑफकोर्स है दो मॉड्यूल देना मतलब ऐसा लगेगा सर दो मॉड्यूल कैसे देंगे कितना टाइम है हमारे पास में हार्डली कितना है दिसंबर जनवरी फेबरवरी मार्च अप्रैल मे सिक्स मंथ्स सर छ महीनों में दो सब दो ग्रुप छह महीनों में दो ग्रुप हाउ इज इट पॉसिबल पहले तो हम क्लास करें फिर हम उसको समझे फिर हम उसको रिवाइज करें फिर हम इसको टेस्ट देवे और उसके बाद में मॉक टेस्ट देवे उसके बाद जाके हम फाइनल में मतलब आईसीएसआई की एग्जाम में जाके अपियर करें तो सर छह महीने में दो ग्रुप कैसे पॉसिबल है अब बट ऑफकोर्स वही क्वेश्चन आता है सबके दिमाग में दिक्कत यह है कि आपने क्वेश्चन पूछा दैट इज ओके बट थिंग इज आप क्वेश्चन पूछो तो सही आप जस्ट बिकॉज अपने दिमाग में ऐसा आपने फील कर लिया कि यार सीएसईटी तो इतना टफ हो गया था सीएसईटी में अपने को इतना स्कोर आया 102, 104, 110, 115, 120 चार एक सौ दस एक मार्क आए सीएसईटी जैसी एग्जाम में तो अपन एस एग्जीक्यूटिव में दो ग्रुप कैसे कर लेंगे आपको अगर पता नहीं है कैसे कर लोगे तो राधर दैन मेकिंग अ कंक्लूजन यू कैन आस्क यू कैन टेक अ गाइडेंस बट ऑफ कोर्स हम उसी के लिए बैठे हैं अगर आप कुछ भी अननेसेसरी अपने दिमाग से कोई भी एक अगर लेके अपना कुछ करियर वेस्ट करना चाहते हो तो यू कैन डू सो बट नहीं तो मैं प्लीज आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार पूछ लो कि करना क्या है क्योंकि जिस अटेम्प्ट में जिस अटेम्प्ट में आप एक ग्रुप देने की तैयारी कर रहे होंगे उसी अटेम्प्ट में आपके साथ में सीएसई पास होने वाला बंदा या बंदी दो ग्रुप की तैयारी कर रहा होगा फायदा क्या है फिर इतना जल्दी रिजल्ट लाके अगर आपको देना ही एक ग्रुप था तो एक ग्रुप तो पहले भी दे सकते थे बाद में भी दे सकते थे हाँ, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपने देना दो ग्रुप ही चाहिए बट क्या आपको पता है कि आप दो ग्रुप दे सकते हो या नहीं दे सकते हो क्या आपको आपका पता है कि आप कितना कैपेबिलिटी क्या कि आप कितना आपको पता है कि सीएस में होता क्या है हाउ वुड यू नो कि सीएस एग्जीक्यूटिव में पढ़ना क्या है कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है तो सबसे मेन क्वेश्चन ये है सबसे पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा कि एक ग्रुप करना है या दो ग्रुप करना है ठीक है उसके लिए डेफिनेटली आपको किसी ना किसी ना मुझसे नहीं जरूरी नहीं कि मुझसे बात करो अपने सीनियर से बात करो अपने कोई भी एग्जीक्यूटिव मेंबर से बात करो या जो भी इंसान है उसके साथ बात करो पहले समझो कि होता क्या है आइडियली सी में जो सेकेंड लेवल है एग्जीक्यूटिव उसमें बेसिकली दो ग्रुप होते हैं ग्रुप वन एंड ग्रुप टू फर्स्ट ग्रुप में चार पेपर सेकेंड ग्रुप में चार पेपर फर्स्ट इज योर जूरी स्टूडेंट सेकेंड इज योर कंपनी लॉ थर्ड इज योर सेटिंग अप ऑफ बिजनेस

एक बात समझ लो सबसे पहले तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है और 100 परसेंट मार्क्स जो रहेंगे वो एमसीक्यू बेस्ड पेपर्स आएंगे बट ऑफ कोर्स दे एक्सपेक्ट यू कि आपको सेक्शंस पूरे लर्न होवे दे एक्सपेक्ट कि आपको मेजर केस लॉस जो सुप्रीम कोर्ट केस लॉसेज होते हैं वो सारे लर्न रहे दे एक्सपेक्ट कि आपको प्रोविजन एकदम थरो ठीक है तो यह आप क्या हो गया टैक्स बाद में हम आएंगे सेकेंड ग्रुप पे जिसमें वापस से चार पेपर फिफ्थ इज योर सी एम ए दैट इज कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग दैट इज ऑल्सो एम सी क्यू हंड्रेड मार्क्स पेपर सिक्स इज योर सेबी दैट इज सिक्योरिटी एंड कैपिटल मार्केट एस सी एल एम देन सेवंथ इज योर इको इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉस दैट इज इकोनॉमिक्स का मतलब डेफिनेटली कभी भी गलती से भी ऐसा मत समझना कि जो जिस गली गली हम हम छोड़ आए थे इकोनॉमिक्स की क्या हम वो गली फिर से जाने वाले हैं डेफिनेटली नहीं कोई माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स बिल्कुल नहीं है वो दूर दूर तक नहीं वो आपने लास्ट बार पढ़ा था उसको भूल जाओ अब कोई आपको पूछने नहीं वाला है कि इंडिया का जीडीपी कितना है कोई पूछने नहीं वाला है कि इंडिया की पॉपुलेशन कितना है ना ही कोई ये पूछने वाला है कि टोटल आउटपुट क्या होता है एवरेज मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है ये क्या होता है वो क्या होता है कुछ नहीं पूछने वाला है ये इकोनॉमिक लॉज है इकोनॉमिक्स नहीं है इकोनॉमिक के क्या लॉज होते हैं नॉट विथ रिगार्डिंग टू मार्केट बट विद रिगार्डिंग टू कंपनीज सॉर्ट ऑफ कंपनीज का आपको थोड़ा बहुत टेस्ट आएगा कंपनी लॉ जैसा होता है उसी का आपको टेस्ट आएगा इसमें दैट इज योर इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ एंड लास्ट पेपर पेपर नंबर एट दैट इज एफ एम एंड सी एम एस एम इज फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट दट इज ऑल्सो हंड्रेड परसेंट एमसीक्यू बेड उसमें तो है समझो कि भाई साहब अपने को आठ पेपर है एट हंड्रेड मार्क्स है सिर्फ एक ड्रॉबैक है और ड्रॉबैक ये है कि आपके आठो पेपर पूरे के पूरे एट पेपर या चार पेपर वट एवर द केस में भी आप जो भी ऑप करना चाहोगे उस पेपर बैक टू बैक रहेंगे इसमें कोई दिन एक भी दिन की छुट्टी नहीं मिलेगी अनटिल कुछ वो में कुछ आता है है, कि ये एक एक पेपर के लिए एक दिन छुट्टी इज थिंग बट आइडियली आपका पेपर अगर लेट्स एक जून से शुरू हो रहा है एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूं एक जून से शुरू हो रहा है तो आपका पेपर वुड भी एक जून दो जून तीन जून चार जून पांच जून छ जून सात जून एंड आठ जून इट ये आपका पेपर रहेगा अब ये 800 सौ मार्क का पेपर है बट ऑफ कोर्स आपको भी समझ में आ रही होगी जब अगर अभी तक तो आपने मॉड्यूल नहीं मंगवाई जिस दिन मॉड्यूल मंगवागे उस दिन हार्ट अटैक पक्का आ जाएगा जिस दिन मॉड्यूल आएगा अब दुनिया में इतने अनबॉक्सिंग देखते हो तो गलती से भी अनबॉक्सिंग मत देखना यूट्यूब पर बिल्कुल तो ही मत देखना और जब करोगे ना तो बाजू में ऐसे बैठ के अनबॉक्सिंग करना क्योंकि जब मॉड्यूल्स निकालोगे और उसकी जब साइज देखोगे ना तब एक्चुअली बैठना ही पड़ेगा तो मेक श्योर कि तुम वो साइज देख के ना डरो आई नो इट इज गोइंग टू बी हंड्रेड परसेंट लेंदी मेरे को पता है कि ये लेंदी रहने वाला है मैंने ये कभी नहीं बोला कि ये बहुत सिंपल है इसको गलती से भी सी एसई टी के साथ कंपेयर करने की गलती मत करना कि सर सी एसईटी कर लिया तो सी एस एग्जीक्यूटिव भी पास कर लेंगे ये भ्रम में कृपया करके मत रहना सीएसई टी ऑल टुगेदर बहुत अलग था सी एस एग्जीक्यूटिव ऑल टूगेदर एकदम डिफरेंट जाने वाला है सीएसईटी और C.S. Executive का कोई कंपैरिजन नहीं है वहां पे आपको एमसीक्यू लिखने थे वो भी घर बैठ के यहां पे आपको 800 मार्क के पेपर लिखने एग्जाम सेंटर में जाके आई नो उसमें से तीन पेपर एमसीक्यू बट देना तो वहां पे है ना प्लस उसका लेवल ऑल टुगेदर डिफरेंट आएगा ये आपके सीएसईटी जैसा लेवल नहीं आएगा हां इसमें एक क्वेश्चन एक क्वेरी जनरली uh, सब लोगों की होती है कि सर जैसा सीएसई में पढ़ा कुछ और आया भलता ही कुछ तो सर इसमें भी ऐसा आता है क्या ऐसा नहीं है एट्टी परसेंट पेपर आपका देखा हुआ रहेगा ट्वेंटी परसेंट पेपर आपका देखा हुआ बिल्कुल नहीं रहेगा एट्टी परसेंट पेपर में भी मैंने ये नहीं बोला कि 80 पूरा की पूरा स्कोरिंग रहेगा मैंने बोला देखा हुआ रहेगा बट ऑफकोर्स आपको एक बात समझनी पड़ेगी जब आप ऑलमोस्ट एक मॉड्यूल के फाइव पेजेस पढ़ रहे हो तो पांच पेज पढ़ना ईजी है क्योंकि उसके लिए आपको छह महीनों का टाइम मिला हुआ है बट एग्जाम के एक दिन पहले उसको रिवाइज करना उसको गो थ्रू करना हर एक एलिमेंट को रिवाइज करना दैट इज बिट चैलेंजिंग टास्क दिक्कत वही है फेल इंसान वही पे होता है सीएस एग्जीक्यूटिव क्लियर करना 24 घंटों का काम है लिटरली 24 फोर आवर्स सर कैसे आठ पेपर तीन घंटा हर एक पेपर का थ्री एड्स ट्वेंटी फोर 24 घंटे में आप सी एस एग्जीक्यूटिव फर्स्ट अटेम्प बन सकते हैं बिलीव मी ट्रस्ट मी हैव फेथ इन माय वर्ड्स कि अगर आपको जून 2021 में बोथ ग्रुप्स देने हैं तो यू कैन गिव एंड यू कैन क्लियर दोस बोथ ग्रुप्स हैव ट्रस्ट इन माय वर्ड्स मैं कुछ बोल रहा हूं तो बट ऑफकोर्स कुछ सोच समझ के बोल रहा हूं कुछ प्लान के साथ बोल रहा हूं ऐसे हवे में बात नहीं कर रहा हूं फर्स्ट अटेम्प्ट अटैम्प्ट या फर्स्ट अटेम्प्ट कंपनी सेक्रेटरी या फर्स्ट अटेम्प्ट कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स या फर्स्ट अटेम्प्ट सी लोग जो क्लियर करते हैं वो कोई दूसरे अलाउद्दीन की चिराग नहीं है वो कोई दूसरे ग्रह से आने वाले लोग नहीं है वो इसी ग्रह के लोग है वो इसी जगह के लोग है वो आजू बाजू में ही आपके घूमते हैं और वो वही लोग है जो रोटी आप खाते हो वही रोटी वो खाता है इट्स ऑल अबाउट प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी अगर आपका प्लानिंग सही है आप जीत जाओगे अगर आपका प्लानिंग गलत है आप हार जाओगे इम्पॉसिबल नहीं है मैंने बोला टफ है इम्पॉसिबल नहीं है make sure कि आप जब भी कुछ स्टेप लेने की कोशिश करोगे जब भी कोई स्ट्रेटेजी बनाने की कोशिश करोगे तो make sure वो स्ट्रेटेजी जो रहेगी वो फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी रहे वो स्ट्रैटेजी एक बार किसी ने गो थ्रू करी हुई होनी चाहिए आप अपने दिमाग से कोई स्ट्रैटेजी बनाते हो दैट मीन कि वो सही होगा अगर ऐसा होता तो कोई बच्चा आज तक फेल ही नहीं होता जमेंट आज एक चैप्टर चार दिन पांच दिन लगा के कर रहे हो बहुत मजा आ रहा है मस्त एकदम एक नंबर चैप्टर कर लिया जब पचास चैप्टर पढ़ोगे ना वो पांच दिन का एक चैप्टर करा हुआ भी याद नहीं आएगा क्यों क्योंकि उसको करने के लिए आपने पांच दिन लिए थे एग्जाम के एक दिन पहले ट्रस्ट में आपको एक चैप्टर को एक घंटा भी पूरा ढंग से नहीं मिलने वाला तो जो चीज को आपने पांच दिन लगाए थे ना आपको उसको ऐसे कट शॉर्ट करना पड़ेगा कि वो आपका एक घंटे में खत्म होगा तो आपको यह समझना पड़ेगा कि सर इसको स्ट्रेटेजिकली करना कैसे है ऐसे नहीं है कि सर आज मन हुआ कंपनी लॉ ले लेते आज मन हुआ टैक्स ले लेते आज मन हुआ सेबी ले लेते ऐसे करोगे तो कब खत्म करोगे और अगर आप जून 2021 का विजन रखते हो अपने दिमाग में और कुछ हार्ड टफ नहीं है यार सीए वाले बच्चे भी तो करते ही है ना आठ पेपर होते हैं सात महीने का टाइम होता है तुम्हारे पास कितना है उतना ही टाइम है जबकि तुम्हारा सीए से मैं इजी है या टफ की कंपैरिजन की बात नहीं करूंगा बट सीए में कितने सारे कॉन्सेप्ट है कितने सारे कैलकुलेशन है कितनी सारी ट्रिकी चीजें हैं यहाँ पे सीएस में अपने पास एक बेनिफिट होता है कि यहाँ पे थियोर ज्यादा सब्जेक्ट है जिसको आपको एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है और यू हैव टू लर्न हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर्स राधा देन टाइपिंग समथिंग ऑन योर कैलकुलेटर एंड यूजिंग योर माइंड इसके बाद में अगला स्टेप क्या आएगा ये ज्यादा काम नहीं है आपको ज्यादा काम आपकी मेमोरी का राधा देन यूजिंग द कैलकुलेटर अब ये किसी के लिए आ, आ, क्या बोल सकते हैं पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है किसी के लिए नेगेटिव पॉइंट हो सकता है बट वो आपका ऊपर है बट मैं ये पक्का बोलूंगा कि ये डेफिनेटली अचीवेबल है फर्स्ट अटेम्प्ट जून 2021 बोथ ग्रुप पास करना पॉसिबल है इसकी अश्योरिटी मैं देता हूं प्रोवाइड लेना कोई गारंटी नहीं देता कोई ऐसा अपन ठोक पीट के ऐसा कोई चीज भी इंसान को गारंटी नहीं दे सकते लेकिन हाँ मैं एक चीज बोल सकता हूँ थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा करो फिर मैं गारंटी दे सकता हूँ डेफिनेटली आप फर्स्ट अटेम्प्ट बोथ ग्रुप क्रैक कर सकते हो बट यू हैव टू स्टार्ट नाउ फॉर दैट आप आलसी ढिल्ले जैसे बोलोगे कि अभी नहीं अभी तो अब हम बढ़िया से क्रिसमस मनाएंगे दिसंबर का महीना है ठंड का महीना अभी कौन सुबह सुबह उठेगा रजे में मजा आ रहा है आ हा हा सिकुड़ के सोएंगे बिल्कुल अभी तो क्या करेंगे इतना जल्दी पढ़ाई करके अभी तो रिजल्ट आया अभी तो पहले मजे कर ले हमने तो आई की एग्जाम ही क्लियर कर ली सी एस मतलब ऐसी हरकतें करके एक जनवरी से अगर पढ़ाई चालू करोगे तो सॉरी बॉस देन इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल आपको इसी मोमेंट से एक्ट करना शुरू करना पड़ेगा अगर आप ऐसा करते हो देन इट इज हंड्रेड परसेंट पॉसिबल और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल आई कैन अश्योर यू कि अगर हम अपने स्ट्रैटेजी के हिसाब से जो हमारा आर जी क्लासेस का एक जो फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी वैसे इस हिसाब से चलते हो आई कैन अश्योर यू कि वो डेफिनेटली क्रैकेबल है बट नहीं तो फिर गॉड नोज वॉट विल बी द केस तो मेक श्योर sure आप जब भी कुछ चीज का डिसीजन लेते हो आप सबसे पहले यह समझो कि एक स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आप अपने हिसाब से कोई स्ट्रैटेजी बनाओ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी ऑन वी व्हाट्सएप नाइन एट वाला जो नंबर है मेरा नीचे आपको मिल जाएगा वो नंबर पे आप बिंदास व्हाट्सएप कभी भी कर सकते हो आप पूछ सकते हो सर मैं क्या करूं कैसे करूं मैं आपके से बात करूंगा आपको एक स्ट्रैटेजी दूंगा उस हिसाब से हम आगे का वर्कआउट प्लान कर सकते हैं ठीक है तो मेक श्योर sure आप जब भी कोई स्टेप लेते हो तो वो प्रॉपर होनी चाहिए विथ गाइडेंस होनी चाहिए सब कुछ होने के बाद में ही आप अगले स्टेप के तरफ जाना और ये सब होने के बाद में एक चीज की अश्योरिटी है कि आप बहुत कम उम्र में सीएस बन सकते हो तो बेसिकली जो पहले सीएस फाउंडेशन होता था कि छह छह महीने बाद एग्जाम होती थी वो एग्जाम कर बो के अब जल्दी हो गई जिसका रिजल्ट दो महीने बाद आता था वो रिजल्ट अब पांच दिन में आने लग गया जो बच्चे फेल हुए उनको अगले सिक्स मंथ्स के लिए वेट करना पड़ता था उनको फिर से जनवरी नाइन्थ में अटेम्प्ट आ रहा है उनका जिसका रिजल्ट ऑलमोस्ट फिफ्टीन जनवरी तक आ जाएगा जो लोग फर्स्ट मतलब जो सी एस फाउंडेशन पास होते थे उनके लिए बहुत टाइम होता था ग्रुप्स देने के लिए आपके पास में वो एक ये आ गया है प्रोविजन की आप जल्दी से अपना बोथ ग्रुप दे सकते हो इतने सारे जब बेनिफिट आपको फैक्टर्स मिल रहे हैं तो आई डोंट थिंक कि आपने ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी छोड़नी चाहिए ये अपॉर्चुनिटी आपने बहुत सोच समझ के धीरे धीरे से एकदम प्रॉपर फाइन स्टेप्स बेबी स्टेप्स ले लेके करो और मैं कभी नहीं बोल रहा हूं आपको एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कि आपको दिन के कम से कम अठारह घंटे पढ़ने पड़ेंगे तब जाके पास होंगे ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा मेरी बात सुनो दिन का चार घंटा भी मोर देन सफिशियंट है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम जैसे जैसे आगे आगे जाते जाएंगे हमको थोड़ा थोड़ा आगे आगे टाइम अपना शिफ्ट करता रहना पड़ेगा आज चार घंटा पढ़ रहे एक महीने बाद शायद दस घंटे पे आना पड़े आठ घंटे पे आना पड़े दस घंटे पे आना पड़ेगा बारह घंटे पे आना पड़ेगा दैट्स इट परपेचुअलिटी परपेचुअटी के हिसाब से अगर आप 10 घंटे भी रोज का पढ़ रहे हो ना इस मोर देन इनफ कि आप एग्जाम के एक महीने पहले अगर 12 से 13 घंटे भी पढ़ते हो भी जो आपको पढ़ना पड़ेगा आप यू cannot एस्केप फ्रॉम दिस फैक्ट कि आपको 10 से 12 घंटा पढ़ना पड़ेगा अगर आपको लगता है कि सर बारह घंटे तो बहुत ज्यादा होता है डोंट यू डेर गिव this एस एग्जीक्यूटिव अटेम्प्ट छ देना क्योंकि सीएससी पास भी होगा ना तो प्रोफेशनल में फंस जाओगे मैं मेहनत करने से अगर आपको डर लगता है तो आप गलत फील्ड में आए हो अगर आपको मेहनत करनी है तो आपको करनी पड़ेगी यू डोंट हैव एनी ऑप्शन ठीक है सो मेक श्योर आपको जो भी करना है हमारी लाइव बैचेस भी शुरू हो रही है फ्रॉम ट्वेंटी नाइन्थ दैट इज टो हम लाइव बैचेस में भी इंटरेक्शन से करेंगे जिसमें आपके पास में ऑप्शन रहेगा कि हम लाइव बैच थ्रू जूम बैठेंगे आप डे टू डे जितने भी क्वेरीज है हम लाइव चलती बैच में आप बैच रोक कर जो भी पर्टिकुलर हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं हम उसी कॉन्सेप्ट को वही रोक कर पहले आपकी क्वेरी हैंडल करेंगे पहले वो क्वेरी हैंडल होने के बाद में अपन अगले इसमें जाएंगे और जो लोग सिटी से है उनके पास में ऑप्शन है कि वो फेस टू फेस भी आ सकते हैं विद लिमिटेड रेस्ट्रिक्शन जो मैं आपको व्हाट्सअप uh, पे बताऊंगा अगर आप मुझे पिंग करते हो तो तो मेक श्योर sure आप जो भी करो एक चीज दिमाग में रखना यूर यू आर यू आर यू आर एंड यू कैन गिव न क्रैक फर्स्ट अटेम्प बोध ग्रुप इन जून ट्वेंटी ट्वेंटी सी एस एग्जीक्यूटिव ठीक है सारी चीजों पर ध्यान रखो और इसके बाद में ही आप कोई भी डिसीजन लेना तब तक के लिए हम कल से शुरू करने वाले हैं दट इज ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ नवंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी सी एस एक्जीक्यूटिव दैट विल भी हंड्रेड परसेंट फ्रेश बैचेस कोई रिकॉर्डिंग वाली बचेस नहीं रहेगी हंड्रेड परसेंट लाइव बैचेस है रिकॉर्डिंग वाला कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है जो भी बैच रहेगा वो लाइव बैच रहेगा मैं कल से स्टार्ट जो करने वाला हूं वो करने वाला हूं इनकम टैक्स दैट विल बी बट ऑफ कोर्स अमेंडेड विथ योर फाइनेंस एक्ट जो आपको अप्लीकेबल रहेगा हम उस हिसाब से आगे शुरू करने वाले हैं। और सबसे सब पहले वही चैप्टर हाथ लगाने वाले जो सबसे टेरिफिक चैप्टर होता है पूरे इनकम टैक्स का दैट इज प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन इस चैप्टर को कर डाला दिस दिस चैप्टर चैप्टर इस, इस, चेप्टर, इस चेप्टर को मैं हमेशा एक टाटा स्काई चैप्टर बोलता हूं ये चैप्टर कर डाला तो लाइव झींगा डाला हम इस चैप्टर से प्रोसीड करेंगे और देख लेना आप ये चैप्टर करने के बाद में आपके अंदर इस चैप्टर के ऊपर जो कॉन्फिडेंस रहेगा वही चैप्टर का कॉन्फिडेंस पूरे आठ सब्जेक्ट पर रहने वाला है क्यों क्योंकि एक प्लान है वो प्लान आप ब्रेक नहीं कर सकते हो वो प्लान के साथ आपको स्टिक रहना पड़ेगा और अगर आप वो प्लान के साथ स्टिक रहते हो आई कैन अश्योर यू दैट यू कैन डू वंडर्स इन योर लाइफ ठीक है चलो टिल देन हैव अ ग्रेट डे स्टे सेफ स्टे होम बाय बाय